नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज काफ़ी बड़ा दिन है, जैसा कि विदित है कि देव गुरु बृहस्पति आज 29 मार्च 2019 को रात्रि 8:07 पर वृश्चिक राशि को छोड़कर अपनी मूल राशि धनु राशि में चले जाएंगे। 24 दिन का उनका यह भ्रमण रहेगा। पुनः वक्री होकर वह 22 अप्रैल यानी कि रात 12 बजे बाद 23 अप्रैल को 1:11 पर पुनः वृश्चिक राशि में वह आ जाएंगे। तो गुरु को काफ़ी बड़ा ग्रह माना गया है, हर राशियों पे वह प्रभाव छोड़ते हैं। तो उनका यह 24 दिन का भ्रमण 12 राशियों में किस तरह का प्रभाव छोड़ेगा, उसी के बारे में संक्षिप्त तौर पर हम यहाँ पर को विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के 3 तरीके होते हैं। एक तो जहाँ पे को गुरु स्थित होते हैं वहाँ से आगे को किया जाता है, एक चंद्र कुंडली के अनुसार किया जाता है, एक लग्न कुंडली के अनुसार किया जाता है। और वैसे इस समय पे जितने भी मैं चैनल YouTube पे देखता हूँ तो सभी गुरुजी जहाँ पर को गुरु ग्रह रहते हैं यानी कि धनु राशि से आगे का विश्लेषण करके आप लोगों को बता रहे हैं, किंतु कालांतर में लग्न कुंडली को प्रमुख माना गया है और उसके द्वारा बताया गया फलादेश हमारे जीवन चक्र पे सबसे ज़्यादा घटित होता है। तो मैं आप लोगों को लग्न कुंडली के अनुसार, क्योंकि तुला लग्न में जिसमें पे तुला लग्न चल रहा होगा आज रात्रि को, उसी समय पे गुरु का धनु राशि में प्रवेश होएगा, तो उसी के अनुसार मैं आप लोगों को 12 राशियों का विश्लेषण करके बताऊंगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। मेष राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन काफी शुभ कहा जाएगा। इन 24 दिनों में मेष राशि के जातकों के कोई नए कार्य बन सकते हैं। यदि कोई अविवाहित लोग हैं तो उनके विवाह का योग बन सकता है। इसके अलावा व्यापार जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो यह समय काफ़ी शुभ कहा जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, अस्त व्यस्त जिनका वैवाहिक जीवन रहता है, तो उनके लिए भी गुरु का यह राशि परिवर्तन काफ़ी शुभ कहा जाएगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा गुरु का राशि परिवर्तन कुछ कमज़ोर है। इन्हें जोखिम वाले कार्यों से बचना चाहिए, अधिक यात्रा से इन्होंने बचना चाहिए, कोई रिस्की कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई दुर्घटना, एक्सीडेंटल योग इन 24 दिनों के भीतर इनका बन सकता है। मिथुन राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत शुभ कहा जाएगा। भाग्य वृद्धि के योग इनके बनेंगे, कोई नए कार्य इनके बन सकते हैं। कोई बेरोजगार लोग हैं तो उनको रोजगार प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर यह 24 दिनों में गुरु अवश्य ही प्रदान करेंगे। कर्क राशि के लिए भी गुरु का राशि परिवर्तन शुभ कहा जाएगा। पदोन्नति के योग बनेंगे, जहाँ पर को भी यह कर्क राशि वाले लोग स्थिर है वहाँ से 1-2 स्टेप इनको उछाल अवश्य ही मिलेगी, किसी भी क्षेत्र में से वह जुड़े हों। और कोई भी इनकी यदि कोई परेशानी है तो उसका हल भी इन 24 दिनों में उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। सिंह राशि के लिए भी गुरु का राशि परिवर्तन शुभ कहा जाएगा। लाभ के योग बनेंगे, कोई पुराने रुके हुए कार्य इनके बन सकते हैं। किसी कार्य की अगर इन्होंने योजना बनाई है तो वह इस बीच इनके अमल में आ सकती है और उस योजना पे इनका कार्य प्रारंभ हो सकता है। और कोई पुराना रुका हुआ धन है या कोई जमीन जायदाद से संबंधित कोई इनका विवाद है तो उसमें भी इनको लाभ मिलने के पूरे चांस बने हुए हैं। कन्या राशि के लिए मिलीजुली स्थिति गुरु ग्रह की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर को थोड़ा इनका धन खर्च हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर इनका कोई विवाद है तो वहाँ पर को थोड़ा सा इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, किंतु एक शुभ स्थिति इनके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। अपने घर से दूर यात्रा, विदेश भ्रमण यदि किसी लोगों का इस तरीके की कोई योजना है तो वह इस समय पे जरूर अमल में लाइए, क्योंकि इस समय गुरु आपकी पूर्ण तौर पे मदद अवश्य ही करेंगे। हाँ, किसी की झूठी गवाही इत्यादि देने से बचें, किसी के साथ विवाद से बचें, अपने को किनारे अवश्य ही कर लें। तुला राशि वालों के लिए स्थिति काफ़ी शुभ बनी हुई है। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है,
कोई नए मित्र इन लोगों के बन सकते हैं, और किसी रिश्तेदार के माध्यम से कोई ना कोई इनको लाभ होने की पूरी स्थिति बनी हुई है। घर में अगर यदि कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो वहाँ पर भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। वृश्चिक राशि, जिस राशि को यह छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पूरी दृष्टि उस पे रख रहे हैं, क्योंकि 24 दिन के बाद रिटर्न इनको उसी राशि पे आना है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग वृश्चिक राशि वालों के बने हुए हैं। वैसे भी वर्तमान में देखा जाए तो शनि की लात की 7.5 भी इन पे है, किंतु इस समय पे गुरु का राशि परिवर्तन इनके लिए बहुत बड़ा चमत्कारिक लाभ ला सकता है। धनु राशि उनकी मूल राशि है, और इस समय पे शनि और केतु भी धनु राशि में चल रहे हैं, तो धनु राशि में भोग की 7.5 भी है, तो धनु राशि के लिए भी स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। यदि किसी व्यक्ति का मनोबल बहुत घिरा हुआ है, तो इस समय पे गुरु ग्रह उसके मनोबल को चरम सीमा पर पहुंचाएंगे, इतनी हिम्मत देंगे कि व्यक्ति जो कार्य नहीं करने की उसमें होता है, जहाँ उस पर बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती है, तो वह कार्य करने की वह इस समय पे उस पर शक्ति प्रदान करेंगे। इसके अलावा अपने भाई बंधु से उनको सहयोग मिलने की पूरी संभावना रहेगी। कोई देव कार्य हो सकता है, कोई धार्मिक यात्रा भी धनुराशि वालों की रह सकती है। मकर राशि, इन सब में जो राशि परिवर्तन, गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, तो सबसे शुभ स्थिति जिस राशि के लिए बनी है मेरी नज़र में, वह मकर राशि के लिए बनी हुई है। क्योंकि मकर राशि में एक तो शनि की दृष्टि की 7.5 है, शनि के स्थान पीछे भी उससे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए भूमि भवन जमीन जायदाद का लाभ यह देने वाले हैं। मोटर वाहन इत्यादि की का भी लाभ यह देने की स्थिति में है। इसके अलावा घर में कोई शुभ कार्य, यानी कि सबसे वेल स्थिति अगर किसी राशि के लिए बनी हुई है, तो वह मकर राशि है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भी स्थिति शुभी है। कोई विद्यार्थी वर्ग के बच्चे हैं, किसी कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पर कुछ चमत्कारिक लाभ देने में देखने में आ सकते हैं। इसके अलावा युगल प्रेमी जोड़े, तो उनके लिए भी यह स्थिति शुभ कही जाएगी। कुंभ राशि वालों के अगर उनके माता पिता उनके विवाह के लिए अगर तैयार नहीं है, तो यह स्थिति उनके विवाह की तैयारी को भी अंजाम तक अवश्य ही पहुँचाएगी। अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि जो गुरु की ही अपनी राशि है, किंतु कमजोर मानी जाएगी। इस समय पे मीन राशि वालों को वृषभ राशि वालों की तरह बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय पे शत्रु बाधा, कुछ गुप्त शत्रु जो अपने ही होते हैं और मन में द्वेष भाव रखते हैं, इस समय पे आप पर हावी हो सकते हैं। किसी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम में आप गिर सकते हैं, कोई गुप्त रोग आप को इस समय पे देखने में आ सकता है, किंतु एक स्थिति मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। यदि कोई मीन राशि का जातक किसी सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ लेने का प्रयास कर रहा है, तो उसे यहाँ पर को अकस्मात सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो यह था 12 राशियों का संक्षिप्त और लग्न कुंडली के अनुसार राशिफल। क्योंकि आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जहाँ पर को गुरु स्थित है, वहाँ से जो गणना के अनुसार राशिफल है, वो हर चैनल वाले दे चुके हैं, तो यह आपके लिए मैं सबसे हट के राशिफल लेके आया। यदि आपको यह राशिफल पसंद आता है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ाकर 24 दिन का ही समय है, तो शेयर कर सकते हैं, किसी न किसी को यह प्राप्त होगा, तो उसे लाभ अवश्य ही देखने में आएगा। हाँ, और एक बात, जिन लोगों के लिए शुभ है या जिनके लिए अशुभ है, तो उनको इस समय पे विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, और इन 24 दिनों के भीतर गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः या ओम गुं गुरुवे नमः का जाप अवश्य ही करना चाहिए। और जिन लोगों ने पुखराज रत्न धारण किया हुआ है, तो उनको आज ही मैं कहूँगा, थोड़ा गोमूत्र थोड़ा गंगा जल में शुद्ध करके एक माला गुरु के बीज मंत्र की पढ़ के दोबारा उसे वह धारण कर लें, या जिन्होंने मोती पहना है, भूंगा पहना है, माणिक पहना है, तो वो लोग भी यह कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ अवश्य ही करें, संभव हो सके तो किसी भगवान राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, या भगवान विष्णु के मंदिर, शिव के मंदिर में अवश्य ही जाकर वहाँ पर को अपना दीपक और धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद वहाँ पर को अवश्य ही चढ़ा के आइए।
तो जो लोग चैनल पे नए आए होंगे उन्होंने यदि यह देखा अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसी ही जानकारी के वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।